वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अमर राव, आपका स्वागत है वीके न्यूज में। तमिलनाडु के कुन्नूर के पास नजम्पा चथिराम गांव में अभी सिक्योरिटी फोर्सेस और मीडिया की भीड़ लगी हुई है। सबकी आंखें नम है, जहन में कई सवाल खोद रहे हैं। ये वही गांव है जहां सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी टीम का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। एक झटके में 13 लोगों की जान चली गई। करीब 40 से 50 साल पहले बसे इस गांव के लोगों का कहना है कि पास ही हेलीकॉप्टर का रूट जरूर है, लेकिन वो करीब 500 मीटर पहले ही बदल जाता है। यानी हेलीकॉप्टर कभी गांव के एकदम ऊपर से नहीं जाता, बल्कि थोड़ा साइड से गुजरता है। लेकिन बुधवार को हेलीकॉप्टर 500 मीटर पहले नहीं मुड़ा, बल्कि एकदम गांव के ऊपर से ही आ रहा था। जहां हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, वहां से चंद कदमों की दूरी पर ही ग्रामीणों के घर शुरू हो जाते हैं। यानी अगर कुछ कदम ही आगे ये हादसा होता तो गांव भी चपेट में आ जाता। हेलीकॉप्टर का बहुत नीचे से गुजरना भी गांव के लोगों में हैरत डाल रहा है और कई सवाल खड़े कर रहा है। दैनिक भास्कर के मुताबिक नजम्पा चथिराम में रहने वाले कनन बिरान कहते हैं, हमारे गांव से सालों से सेना के हेलीकॉप्टर गुजर रहे हैं, लेकिन उनकी ऊंचाई काफी होती है और वो गांव के एकदम ऊपर से नहीं जाते। ये पहली बार हुआ है कोई हेलीकॉप्टर इतनी कम ऊंचाई से गुजर रहा है कि वो पेड़ से ही टकरा गया। हेलीकॉप्टर के टकराते ही इतनी तेज आवाज हुई जैसे कोई ब्लास्ट हुआ हो। गांव के ही शिव कुमार और कृष्ण स्वामी सबसे पहले क्रैश साइट पर पहुंचे थे। कृष्ण स्वामी ने बताया, मेरे पास फोन नहीं है, इसलिए मैंने अपने साथी चंद्र कुमार को फोन करके बोला। उसने तुरंत पुलिस को फोन लगाया और 15 मिनट के अंदर ही पुलिस और फायर सर्विसेज लोग वहां पर आ गए। इनके बाद आर्मी वाले वहां आए। सीडीएस उनकी पत्नी मधुलिका की बॉडी उठाने वाले शिव कुमार ने आगे बताया, सीडीएस आखिरी समय में पानी मांग रहे थे, उनके हाथ मुड़े हुए थे। आर्मी को साइट पर आने में करीब 20 मिनट लगे। हमें बॉडी को निकालना था, इसलिए पेड़ काटना पड़ा क्योंकि बॉडी पेड़ों के बीच फंस गई थी। सीडीएस की पत्नी मधुलिका रावत के इयररिंग्स और कंगन दिख रहे थे, इससे पता चल रहा था कि ये कोई महिला की बॉडी है। उनका बाकी हिस्सा तो पूरा जल चुका था। जनरल रावत और पायलट का चेहरा भी विजिबल था, मतलब दिख रहा था, लेकिन उनकी बॉडी बुरी तरीके से खराब हो चुकी थी। इंडियन एयरफोर्स में रहे और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्विगेटर नसीर हनफी ने क्या कहा है, ये भी आपको हम बताते हैं। उन्होंने कहा, मैंने इस घाटी में काफ़ी फ्लाइंग की है, ये काफ़ी सकरी घाटी है, इसलिए इससे रास्ता भटकना का कोई सवाल ही नहीं उठता। जिस हेलीकॉप्टर में जनरल जा रहे थे वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न और अपग्रेडेड है, इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और हेलीकॉप्टर अगर 5 से 7 किलोमीटर इधर उधर भी हो जाता है तब भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। विजिबिलिटी भी यदि बहुत कम होती है तो पायलट के पास ढेरों ऑप्शन होते हैं, मतलब बहुत ढेर सारे ऑप्शन होते हैं, वो आगे ना बढ़ने का भी निर्णय ले सकते हैं। ऐसे में क्रैश होने की असल सच्चाई FDR रिपोर्ट से ही सामने आएगी, मतलब जो ब्लैक बॉक्स है उससे सारे राज खुलेंगे। इन सबसे एक बात तो साफ होगी कि यह हेलीकॉप्टर शायद क्रैश नहीं हुआ है, इसे मारा गया या फिर इसके पीछे कोई और ही कहानी है। हालांकि अब जैसे जैसे ब्लैक बॉक्स की यहाँ पर तहकीकात की जाएगी और भी जितने सबूत है उसको इकट्ठा किया जाएगा, उससे पता लग जाएगा कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था या फिर इसके साथ कुछ और हुआ है। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।